नमस्कार दोस्तों, टेक में गुरुजी में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक अपने अकाउंट डिटेल एंटर नहीं की है तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ कैसे डिटेल एंटर करना है। पूरी वीडियो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए, सरकारी एग्ज़ाम डॉट कॉम पर ये मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ से ये लिंक ओपन हुआ है रेलवे का। इसको एग्री करके मैं एग्री करूँगा आगे, तो फिर जो है अभी ये आप खुल के आएगा लॉगिन पेज। यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए, सिक्योरिटी कोड डालिए और लॉगिन कर दीजिए। दोस्तों ये देखिए, मैं लॉगिन कर रहा हूँ। इसको पूरा आपको बताऊँगा किस तरह से आपको इंटर करना है और किस तरह से आपको पूरा फॉर्म फिलअप करना है। पूरी जानकारी यहाँ पे आपको दी जाएगी। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें। रेलवे की पूरे अपडेट आपको हमेशा मिलती रहेगी। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से लॉगिन करने के बाद आपके सामने इंटरफेस खुल के आएगा। ये देखिए, इलाहाबाद जो मैंने चूज़ कर लिया है, उसके बाद यहाँ से मैंने एक्सेप्ट किया। कन्फर्म करने के बाद ये सिक्योरिटी कोड इसमें इंटर करके सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। ये देखिए, सिक्योरिटी कोड इंटर हो गया है दोस्तों, सेव एंड नेक्स्ट किया मैंने। ये देखिए, ये इंटरफेस खुल के आएगा आपके सामने। कितनी पोस्ट हैं, कितनी वैकेंसीज हैं, पूरी प्रेफरेंस के साथ आपके सामने पूरी खुल जाएंगी। ये इंटरफेस में आप कितनी कितनी वैकेंसी है, किस ये सब सब कैटेगरी वाइज आपको मिलेगी यहाँ पे, ALP की और टेक्नीशियन की दोनों की। ये डिग्री होल्डर हैं इसलिए, जिसका फॉर्म आपके सामने खुला हुआ है, डिग्री होल्डर हैं इसलिए आपको पूरा इतनी वैकेंसी इनके लिए है। प्लस टू वालों के लिए थोड़ी कम वैकेंसी है। अब यहाँ पे देखिए, PRT चूज़ करनी है आपको। 1 2 3 4 5 6 7 7, देखिए इनके पास सेवन सेवन इनके पास सेवन कॉलम्स हैं चूज़ करने के लिए। अब ये सभी में अपनी प्रायोरिटी डाल रहे हैं, प्रायोरिटी इंटर करनी है। कौन सी पोस्ट आपको फर्स्ट प्रायोरिटी आप देना चाहते हैं, 1 2 3 करके आप डाल सकते हैं यहाँ पे। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत जाए और नोटिफिकेशन के जहाँ आप ये वीडियो देख रहे हैं उसी के नीचे रेड कलर सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसे क्लिक करके सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों मुझे पता है अभी तक किसी ने ये फॉर्म भरने का वीडियो किसी ने अभी तक अपलोड नहीं किया है यूट्यूब पे, लेकिन मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए फॉर्म में भरने में। इसलिए वीडियो को आप पूरा एंड तक देखें, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी आपकी गलती हो गई तो जान लीजिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी फिर आगे फॉर्म को इंटर करने में। ये देखिए, कंफर्म कर दिया है इन्होंने। कंफर्म करने के बाद यहाँ से आप जैसे ही आप कंफर्म करेंगे, आपके सामने ये जो PRT आपने दी थी उस तरह से आपकी वैकेंसी डिटेल आपकी उस तरह से असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पे लास्ट ऑप्शन सबमिट का हुआ। एक बार सबमिट करने के बाद दोबारा आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं दोस्तों, इसलिए इस पर आप विशेष ध्यान दें। पूरा सोच समझ के वेरीफाई करके तभी सबमिट करिएगा। ये देखिए, कंफर्म का किया जा रहा है यहाँ पे। कंफर्म करने के बाद ये आपका पूरा ये फॉर्म कम इसका ये ट्रेड चूज़ करने वाला सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों यहाँ से आप कंफर्म करेंगे जब, तो आपके सामने जो इंटरफेस आएगा वहाँ आपको ट्रेड का ऑप्शन मिलेगा चूज़ करने के लिए। ये देखिए, सबमिट का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर। जैसे ही ये सबमिट होगा, अब ये सबमिट करेंगे इसको। सबमिट कर रहा हूँ, थोड़ा नेटवर्क वीक साइट बहुत बिजी चल रही है दोस्तों, इसलिए थोड़ा प्रोसेस में स्लो हो रहा है प्रोसेस, बट प्रोसेस होगा, निश्चिंत रहिए आप। प्रोसेस पूरा कंप्लीट करके मैं आपको पूरी वीडियो दिखाऊंगा, पूरा कैसे कैसे फिलअप करना है पूरी जानकारी आपको दी जाएगी दोस्तों। ये देखिए, प्रोसेसिंग में चल रहा है पेज आपका। और ये देखिए, जैसे ही ये इंटर होगा आपके सामने ये इंटरफेस खुल के आएगा दोस्तों। इसमें देखिए लिखा है एग्ज़ाम ट्रेड। अब एग्ज़ाम ट्रेड आपको यहाँ से चूज़ करना है, आप कौन से एग्ज़ाम ट्रेड से आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। CBT 2 में, CBT 2 में दो ग्रुप है दोस्तों, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए का पेपर तो सबके लिए कॉमन होगा, लेकिन जो ग्रुप बी का एग्ज़ाम होगा वो ट्रेड वाइज होगा और ट्रेड का ही एग्ज़ाम होगा, उसमें पास होना कंपलसरी है सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ से देखिए, सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर एग्ज़ाम ट्रेड सेलेक्ट किया जाएगा। जो डिग्री होल्डर हैं उनके पास जहाँ ट्रेड रहेंगी, जो ITI या डिप्लोमा किए हुए उनके पास ट्रेडों की संख्या कम होंगी। जो PCM मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स अगर इंटर कर रखा है किसी ने तो उसकी ट्रेडें तो बहुत ही कम होंगी, उसके पास 3-4 ट्रेड होंगी। ये देखिए, इनके पास इतनी सारी ट्रेडें खुल गई हैं। इन्होंने चूज़ किया मैकेनिकल डीजल। अगर आपने इससे पहले कोई ट्रेड चूज़ किया है तो यहाँ से अपने ट्रेड चेंज भी कर सकते हैं। मैकेनिकल डीजल चूज़ कर लिया गया है और ये कैप्चा कोड यहाँ इंटर करके इसको सबमिट कर दिया जाएगा दोस्तों। और ये टोटली सबमिट होने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस खुल के आएगा कि आपने ये मैकेनिकल, एक बार कंफर्मेशन मैसेज आएगा, इसको आप कंफर्म करके यस कर देंगे दोस्तों, ये आपके सामने आ जाएगा। फिर यहाँ से ऐड का ऑप्शन आएगा,
अब ये बैंक डिटेल ऐड करने की बात कर रहा है दोस्तों, जिसमें आपका पैसा रिफंड आएगा, जो एग्ज़ाम आपने दिया है उसका पैसा किस खाते में रिफंड आना है उसके बारे में ऐड करने के लिए आप पहले ऐड पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक OTP आएगा मोबाइल पे, जो मोबाइल नंबर आपने रजिस्टर्ड किया है उस पर OTP आएगा, उस OTP को यहाँ करके आप वैलिडेट कर देंगे, फिर आगे का इंटरफेस तभी आपके सामने आएगा। अगर OTP गलत होती है या किसी के बैंक डिटेल अगर पहले से पड़ी हुई है तो उसे केवल आपको अपडेट करना है, इस पर बैंक डिटेल नहीं पड़ी थी इसलिए ऐड का ऑप्शन आ रहा है। तो ऐड का ऑप्शन आएगा, यहाँ से आप नेम ऑफ अकाउंट होल्डर पूछ रहा है, आप अकाउंट होल्डर का यहाँ पे नाम लिख देंगे दोस्तों। अकाउंट होल्डर का नाम लिखने के बाद उसके बाद अकाउंट नंबर पूछ रहा है, अकाउंट नंबर इंटर कर दीजिए, फिर IFSC कोड इंटर करना है दोस्तों। IFSC कोड इंटर करने के बाद यहाँ से आप री अकाउंट नंबर डालेंगे, री इंटर IFSC कोड डाल के कन्फर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद पूरा फॉर्म आपका कंप्लीट होके ये फॉर्म आपके सामने पूरा आ जाएगा दोस्तों। ये रहा आपका पूरा कंप्लीट।